रूपरल की एक महिला अपने मकान को बचाने के लिए पहुंची कलेक्टर के पास। महिला के मकान को अवैध बताकर तोड़ने का दिया नोटिस। महिला का मकान बना है आवास में। रूपरल की एक महिला आज कलेक्टर के पास अपने मकान को बचाने के लिए पहुंची। महिला के अनुसार अपने आवास में बने मकान में अपने दो बच्चों और अपनी माता के साथ रहती है। महिला का पति पठानकोट में सेना में रह चुका है। महिला के घर पर अवैध मकान को तोड़ने का नोटिस आया। जब कल 4 अप्रैल को मकान तोड़ने आए तो क्षेत्र के लोगों के विरोध की वजह से मकान नहीं तोड़ पाए, इसलिए आज कलेक्टर के पास महिला अपने मकान को बचाने के लिए गुहार लगाने पहुंची। वैसे कैसे आना हुआ, क्या हुआ? ये मामला ग्राम पंचायत पीपला तहसील मसूदा ग्राम रूपरेल का है। यहाँ पे हमारे एक समाज के बंधु जो आज बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं और उनकी धर्मपत्नी जो गांव के अंदर जो अकेले उनके निवास स्थान पर निवास कर रही है, वहाँ के एक जिला परिषद से हैं विजय सिंह रावत जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, द्वेषता के कारण उनके खिलाफ जिला परिषद सीओ और माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पहले इन्होंने इनके यहाँ शिकायत करी गई है। उस शिकायत को लेकर के जिलाधीश महोदय को पता नहीं था कि वास्तव में ये मामला गलत हो रहा है। कल मसूदा के एसडीएम सुरेश जी चावला साहब जहाँ वहाँ पहुँचे थे और वास्तविक स्थिति उनको पता पड़ा कि भाई ये मामला सिर्फ गांव के अंदर एक मकान को ही क्यों, अगर अवैध है तो सारे के सारे हैं, पूरा गांव अवैध है। तो इस चीज़ को लेकर के हम आज यहाँ जिलाधीश महोदय से मिले हैं। जिलाधीश महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया है और कहा है कि देश के रक्षक की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है और इसमें पार्टी जो है बीजेपी जिस तरह से वादे करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हम देश के रक्षक और चौकीदार के रूप में हम सेवा कर रहे हैं, वो जो उन्होंने कहा है उस वादे से मुखर रहे हैं, जो कि आज जीता जागता सबूत आपके सामने जो खड़े हुए हैं, इनके साथ में सोतेला व्यवहार हो रहा है। अगर ये अगर नहीं करेंगे तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम आपका? मुबारक अली चीता, पूर्व पार्षद, नगर निगम अजमेर। क्या ही हो? मेरा पति को मैं मकान बनाया, मेरे खेत के हेवरे जमीन ने मेरे खाता की, उनके हेवरे मकान बनाया। विजय चौहान मेरे मकान को उनको आज दिन मेरे को 50,000 रुपये मांग रहे और मुझे रात बरात गाली दे रहे, क्योंकि तेरे को या तो तेरे को 50,000 रुपये दे दे या तेरे मकान गिरेंगे, नहीं तो तेरे पति को भी नौकरी से निकाल देंगे, तुझे जान से मार डालेंगे, बच्चों को तेरी माँ को। आपका नाम? मेरा नाम कमला बानू।